नमस्कार, मुजफ्फरपुर न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज की कुछ खास खबर। माझी समाज के लोगों ने औराई प्रखंड मुख्यालय में दिया धरना। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड मुख्यालय में माझी समाज के लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर 11 सूत्रों की मांग करते हुए धरना दिया। माझी परिवार बांध के किनारे झोपड़ी बनाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हवा से धूल मिट्टी भी खाने को मजबूर महादलित परिवार वाले सरकारी जमीन पर बंदोबस्ती की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन को जारी रखने की बात की। लोग बसा हुआ है तो दोनों तरफ बांध बनाया तो हम लोग भी बांध पर भाग गया। न रहे के साधन, न खाए के साधन, न पिए के साधन। जो पछे पुरवैया बहता है तो इमरों से हवा बहता है, उमरों से भात रोटी में गर्दा पड़ता है, पानी पड़ता है। हम लोग के बहुते कठिन है रहने के लिए। तो सरकारी वीडियो साहब गया तो कहे आप लोग से नहीं जाइए बीच में, आप लोग सा भास जाएगा, फिर देगा आप लोग के जमीन, तबे रहिए आप लोग बांध पर। सरकार के निर्देशानुसार भूमिहीन को जमीन देने की बात कही जाती है और हम कहीं के नहीं हैं, जो कि महादलित समाज के लोगों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाना चाहिए था, वो जमीन और पैसे पहुँच वालों को दिया जा रहा है। इस दौरान हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के युवा जिलाध्यक्ष रामबाबू मांझी ने बताया कि औराई के बागमती बांध पर गुजारा कर रहे परिवार को जमीन दिया जाए। खाता खेसरा सब हम उपलब्ध कराकर हम सीओ साहब को ज्ञापन सौंप दिए कि जमीन उपलब्ध कराइए, आप खाली करवाइए जिसके पास है जमीन। आज तक कोई नहीं ऐसा काम हुआ है, इसलिए हम लोगों ने धरना देने का निर्णय लिया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित महादलित परिवार को राशि भुगतान करवाया जाए। साथ ही वृद्धा पेंशन योजना, शौचालय के जमीन व राशि खाताधारियों के खाते में राशि भेजा जाए। इधर जिला उपाध्यक्ष जनता दल के मोहम्मद गजनफर हुसैन ने कहा कि माझी समाज के कल्याण के लिए इस मांग को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाएगा। नहीं होगा, हम लोग दिल्ली तक पहुंचेंगे। सबसे पहले प्रखंड रास्ता चलेंगे, हम लोग जिला तक प्रयास रहेगा, जिला से नहीं होगा। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मोज न्यूज़।